और अब खबर भोपाल से है, जहां गुरुवार रात एक कार चालक ने जमकर हुड़दंग मचाया। कार के दाहिनी तरफ के दोनों ही टायर फटे हुए थे, जिसके बाद भी चालक दो टायर पर ही तेज रफ्तार में गाड़ी को सड़क पर दौड़ाता रहा। टायर फटने के कारण लोहे का व्हील सड़क से रगड़ने लगा, जिससे चिंगारियां भी निकलती रही। खतरनाक रूप से जा रही इस कार का वीडियो एक अन्य कार चालक ने पीछा करते हुए बना लिया। फटे टायरों के साथ बेहद तेज रफ्तार से जा रही ये कार रात 2 बजे राजा भोज सेतु पर पलटते पलटते भी बची। लोग मदद के लिए दौड़े तो कार चालक गाड़ी लेकर भाग निकला। इसके बाद लोगों ने डायल 100 को कॉल किया। हालांकि एमपी नगर से लेकर तलैया और कोहेफिजा पुलिस ने इस तरह की किसी भी घटना से होने से इनकार कर दिया है। वहीं पीछा कर वीडियो बनाया गया, जहां राहगीरों की जान से खिलवाड़ करते हुए जा रही इस कार का वीडियो एक कार चालक ने बना लिया। इस शख्स ने कमला पार्क से लेकर राजा भोज सेतु और वीआईपी रोड तक फटे टायर वाली कार का पीछा किया। वीआईपी रोड पर भी एक जगह कार टकरा गई और पलटते हुए बची। गाड़ी के नंबर के आधार पर इस कार का एयरपोर्ट रोड निवासी महिला का होना पता चला है। हालांकि इसे एक युवक चला रहा था। दिन में राजधानी की सड़कों पर मुस्तैद रहने वाली भोपाल पुलिस को रात करीब 2 बजे हुई इस घटना का पता तक नहीं चला, जिससे रात की गश्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि कार चालक एमपी नगर से आया, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि रास्ते में एमपी नगर से लेकर श्यामला हिल्स, तलैया और कोहेफिजा से वो पुलिस की आंखों से कैसे बच निकला।